हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके डीके एकेडमी में। इस वीडियो में आप जानेंगे विश्व में परिवहन व्यवस्था के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? तो ये सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विश्व में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है ब्राजील का। नेक्स्ट आता है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का निर्माण हुआ है? तो ब्रिटेन में सबसे पहले रेलगाड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमिल के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो चीन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो 1825 ईस्वी में चली है। नेक्स्ट आता है, विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 9,332 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हेलिफैक्स से जोड़ता है? तो इसका आंसर है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है? तो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विश्व में रेलगाड़ी की लंबाई सबसे अधिक किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका आंसर है लेलिन ग्रांड से ब्लाडी बोस्टक तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, संसार का सबसे व्यस्त महासागरी कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्रिक जल मार्ग। नेक्स्ट आता है, स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा था? तो केप सामुद्रिक जलमार्ग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, स्वेज नहर जलमार्ग में जलायनों को पार करने में कितना समय लगता है? तो ये 15 घंटे लगता है। ठीक है, कौन सा जलमार्ग भू मध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? तो सही आंसर क्या है? स्वेज नहर जलमार्ग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो ये स्वेज नहर है। नेक्स्ट आता है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। नेक्स्ट आता है, विश्व का व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका आंसर है यूरोप महाद्वीप। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये परिवहन के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके डीके अकेडमी।